जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाकर जहाज पर ले आता है। एक सैनिक बोलता है कि उसे सांस नहीं आ रहा, तो जैक चाकू से उसके शरीर से टाइट कपड़ा हटा देता है जिससे वह सांस लेने लगती है। तभी वहां एलिजाबेथ के पिता और कमांडर सैनिकों के साथ आ जाते हैं और जैक को तलवार की नोक पर रख लेते हैं। एलिजाबेथ उनसे कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है, तो वह लोग तलवार नीचे कर लेते हैं। कमांडर जैक से हाथ मिलाने के बहाने उसकी कलाई पर देखता है जहाँ पाइराइट का टैब बना हुआ है और उसका नाम लिखा हुआ है। तभी जैक मुस्कुरा कर कहता है, कैप्टन जैक स्पैरो। उधर कमांडर भी उसका सामान देखकर उसका मजाक उड़ाता है। अचानक जैक एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो कहता है कि ये टाइम आप लोगों को याद रहेगा कि कैप्टन जैक स्पैरो हाथ से फिसल गया। इतना बोलकर वो सेल पर लगी एक कुंडी पर लात मारता है और ऊपर से लकड़ी का एक भार नीचे आने लगता है। जैक स्पैरो ऊपर चला जाता है। कमांडर गोलियां चलाने का ऑर्डर देता है। जैक स्पैरो सेल से लटक कर दूसरे जहाज के सेल पर जाने लगता है। अब वो अपनी हथकड़ी की मदद से वहां लगी रोक पर लटक कर दूसरी तरफ आ जाता है और भाग जाता है। क्या वो जैक स्पैरो को पकड़ पाए?